हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये शिक्षण अभिसमता का पार्ट टू है। इसमें भी हम शिक्षण अभिसमता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो गैस करना है और फिर उसके बाद मैं इसके आंसर को बताऊँगा। पहला क्वेश्चन कहता है, यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए? यूनेस्को आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। तो ये जो अध्यापन एक जो अध्यापक होता है उसके कुछ विशेष गुण इसने बताए हैं, तो वो कौन से गुण होते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन कहता है, अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता होनी चाहिए एक अध्यापक के। दूसरा ऑप्शन कहता है, शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण न्यापन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है, व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी होनी चाहिए या फिर सभी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी यूनेस्को के अनुसार एक अध्यापक में ये सभी ही गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? चार ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कहता है, शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन, शिक्षण पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, शिक्षण को आसान बनाने के लिए। दूसरा कहता है, शिक्षण को रोचक प्रभावशाली बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन कहता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए या फिर शिक्षक को सहायता देने के लिए। तो क्या कारण है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम जो होता है वो डाला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर दो, यानी बी, शिक्षण को रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए ही पाठ्यक्रम जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो इसी तरीके से तय किए जाते हैं ताकि जो छात्र है उसे पढ़ने में उसमें रुचि उसे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अध्यापक कक्षा अध्ययन में उत्साहित होता है उसके पीछे क्या कारण होते हैं? पहला कहता है, उनमें पर आए विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है। उनमें विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है, वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटक करते हैं। तीसरा कहता है, वह अपने छात्रों को अध्यापन अधिगमन की प्रक्रिया में अंतग्रस्त कर लेते हैं। तीसरा कहता है, उपयुक्त में से सभी बातें होती हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि अध्यापक जो होता है वो काफ़ी उत्साहित होता है? तो उसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, वह अपने छात्रों का जो होता है अध्यापन अधिगमन की प्रक्रिया में अंतग्रस्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं? पहला ऑप्शन कहता है, विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। दूसरा ऑप्शन कहता है, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्यों का कितना भाग याद कर सकता है या फिर विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं यह जानने के लिए। तो क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे कि जो परीक्षा है वो ली जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर फोर, कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास किस दिशा में हो रहा है यह जानने के लिए जो है वो परीक्षा करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? पहला कह रहा है, व्याख्यात्मक विधि। दूसरा कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि। तीसरा कहता है, मौखिक प्रश्न विधि या फिर वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रण हो। तो किस टाइप की जो परीक्षा है वो उपयुक्त मानी जाती है इसमें आपको बताना है। तो उसका जो आंसर है वो है वास्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रण होना चाहिए परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के विषय में कौन सा कथन अनुचित है या अनुचित होगा? तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला बोलता है, परीक्षा से बालकों में परिश्रम से कार्य करने की भावना का विकास होता है। दूसरा बोलता है, विद्यार्थियों की योग्यता एवं वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा से ही संभव है। तीसरा ऑप्शन कहता है, विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला सीख सकते हैं।
चौथा ऑप्शन कहता है, विद्यार्थी परीक्षा से अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करना सीखते हैं। तो चार ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन ठीक है, तो आप गैस कर लें कि इसका आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है, तभी मैं इसके जो आंसर है वो बताता हूँ आपको। तो उसका जो आंसर है वो है कि विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला जो है वो सीख सकता है। ये गलत है, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो परीक्षा होती है उसी से ही लिखना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह क्या करे। ये चार ऑप्शन दे रखा है, शिक्षण में अनुचित रुचि रखता हो, शिक्षण में समुचित रुचि रखता हो। दूसरा ऑप्शन कहता है, विद्यार्थियों को नियंत्रण या नियंत्रित करना जानता हो, अपना विषय जानता हो, या अभिव्यक्ति अच्छी रखता हो। ये चार ऑप्शन हैं, तो इसमें से जो ठीक आंसर है वो यही वो है, अध्यापक अपना विषय जानता हो। यही एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है कि वो जिस विषय को पढ़ाता हो उसमें उसका जो ज्ञान हो वो अधिक हो। नेक्स्ट है, अध्यापन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक क्या होती है। चार ऑप्शन है, जो अध्यापक कहता है विद्यार्थी में उसकी समझ पैदा करना। दूसरा, अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। तीसरा ऑप्शन कहता है, पढ़ाते समय विद्यार्थी को आराम की स्थिति में रखना। या चौथा, कक्षाएं नियमित रूप से लेना। तो इन चार में से कौन सा जो महत्वपूर्ण तकनीक होती है अध्यापकों में, तो उसका जो आंसर है वो है आंसर ए, सॉरी तो उसका जो आंसर है वो है आंसर ए, जो अध्यापक कहता है विद्यार्थी में उसकी समझ पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका एक प्रकार है। पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। अध्यापक की ईमानदारी। तीसरा ऑप्शन कहता है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाना और उनमें समझ विकसित करना। चौथा ऑप्शन कहता है, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। तो कुल मिलाकर जो है वो शिक्षण को कौन सा ऐसा कार्य है जो कारगर बनाता है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, सॉरी तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि जो पढ़ाते समय विद्यार्थियों को आराम की स्थिति में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर है आंसर सी, कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने और उनमें समझ विकसित करना ही एक कारगर शिक्षण का एक प्रकार होता है। तो बदल गया था पेज। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के समक्ष विद्यार्थी महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है, यानी एक अध्यापक के समक्ष जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य कर सकें। तीसरा, प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो उसका आंसर है आंसर डी, यानी शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो ठीक नहीं है। तो उसका जो आंसर है वो है शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये गलत है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं ये जन्मजात नहीं होते, वो साधारण व्यक्तियों की तरह ही होते हैं, किंतु वो शिक्षा ग्रहण कर वो शिक्षक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। पहला ऑप्शन कहता है, उसे पाठ याद करने के लिए डांटना। दूसरा कहता है, उत्तर क्यों गलत दिया उसको समझाना। तीसरा ऑप्शन कहता है, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना। या फिर चौथा, गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो आपको गैस करना है। तो उसका सही आंसर है उत्तर क्यों गलत दिया उसको समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से महाविद्यालय के एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कि सामाजिक मुद्दों को छात्र को समझाना,
दूसरा ऑप्शन कहता है सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकार ने हेतु छात्रों को राजी करना। तीसरा ऑप्शन कहता है सामाजिक मुद्दे पर स्वयं निर्णय की क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करना, या फिर सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों की भावना का पता लगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 3, यानी सामाजिक मुद्दे पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी लेना है, ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो उसके एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है, तो ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना उचित होगा। पहला कहता है निबंध वाले यानी निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा कहता है व्याख्यात्मक प्रश्न, तीसरा कहता है आलोचनात्मक प्रश्न, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका जो आंसर है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ये वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, व्याख्यात्मक थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े हल्के बड़े होते हैं, और आलोचनात्मक यानी आलोचनात्मक रूप से उसकी व्याख्या की जाती है। तो इसमें अगर संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो परीक्षा है ली जा रही है तो उसके लिए वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो काफ़ी उपयुक्त होंगे। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति जो होती है वो कौन सी होती है, निगमात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, या फिर संश्लेषणात्मक पद्धति। तो यहाँ पर ये हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, कई जगह पर ऐसी गलतियाँ हो रखी हैं, तो मैं इसका जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक कर देता हूँ कि ये संश्लेषणात्मक पद्धति लिखा हुआ है यहाँ पर संश्लेषणात्मक पद्धति है। तो इसमें आंसर बताना है कि कौन सा जो है वो ठीक होगा। तो आंसर 2 ठीक है इसका, आगमनात्मक पद्धति जो है वो गणित शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी पद्धति होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो 4 ऑप्शन है समस्या पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति, या प्रश्न उत्तर पद्धति। तो इस विज्ञान के लिए जो अच्छी पद्धति नहीं होती वो है चौथी प्रश्न उत्तर पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिससे कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या विश्लेषण विधि। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका एक आंसर ठीक है, तो उसका जो आंसर ठीक है वो है प्रश्नोत्तर विधि। सो इस तरीके से ये तो था हमारे शिक्षण अभिसमता का पार्ट 2, और आगे मैं इसके और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।